नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करेंगे मेडिटेशन पर। मेरे पास बहुत से सवाल आते हैं। जब लोग मेरे पास आते हैं तो मुझसे जनरली ये सवाल करते हैं कि क्या सर, ये जो समस्या है, खासतौर पे जो मानसिक समस्याएं होती हैं, इन समस्याओं में क्या हम मेडिटेशन से भी इन बीमारियों को, इस परेशानी को, इस समस्या को ठीक कर सकते हैं? और ऐसे केसेस में आज हम यही बात करेंगे कि मेडिटेशन का मानसिक समस्याओं में क्या रोल है। और हम बात करेंगे कि मेडिटेशन वर्सेस मेडिसिन, हम इसको इस तरह से समझेंगे। मेडिटेशन बहुत इफ़ेक्टिव है, डेफिनेटली मेडिटेशन के अपने कुछ फ़ायदे हैं, बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन मेडिटेशन किसी भी तरह की मानसिक समस्या को ठीक करने में कारगर है। इसको पूरी तरह से सही नहीं माना जा सकता। मेडिटेशन सहयोगी हो सकता है, लेकिन सिर्फ मेडिटेशन किसी मानसिक समस्या को ठीक नहीं कर सकता और नहीं किया जाना चाहिए। मैं आज जो बात कर रहा हूँ, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार हम मानसिक समस्याओं में जब उनको मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम या उनसे ठीक करने की कोशिश करते हैं तो कई बार हम उससे जुड़े हुए बहुत सारे खतरों को अवॉइड कर रहे होते हैं। बहुत सी मानसिक समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए बिना किसी स्पेशलिस्ट के, प्रोफेशनल के सलाह के हमको कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। कई बार इनसे समस्याएं बहुत, जब तक किसी प्रोफेशनल के पास, किसी स्पेशलिस्ट के पास पहुँचती हैं तब तक वो बहुत बिगड़ी हुई स्थिति में पहुँचती हैं। तो अगर हम शुरुआती स्थिति में ही, जब कोई मानसिक समस्या शुरू होती है उस समय ही हम किसी प्रोफेशनल की मदद लें तो हमको अच्छे से गाइड कर सकता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मेडिटेशन में हमको ये समझना पड़ेगा कि मेडिटेशन अच्छा है, मेडिटेशन करना चाहिए उन लोगों को जो लोग पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, ठीक है, वो मेडिटेशन कर सकते हैं और कर भी पाते हैं। अगर आप बात करें किसी मानसिक समस्या से जुड़े हुए व्यक्ति की तो वो मेडिटेशन कर ही नहीं पाएगा, वो उतना कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाएगा, मेडिटेशन के लिए उसका मूड ही नहीं बनेगा। तो ऐसे केसेस में हमको सबसे पहले उसका मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए कि हमको ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि मानसिक समस्याओं में सबसे पहले इलाज की ज़रूरत है। अगर आप इलाज से ठीक हो जाते हैं तब आप मेडिटेशन करिए, और आप मेडिटेशन कर भी पाएंगे तो आपको हो सकता है कि दोबारा से कोई मानसिक समस्या ना हो। या आप पहले से ही ठीक हैं और अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो इस बात की संभावना है कि आपको कभी कोई भी मानसिक समस्या, मानसिक तनाव ना हो। लेकिन अगर आपको कोई मानसिक समस्या शुरू हो चुकी है तो उस केसेस में आपको इंटरवेंशन की ज़रूरत है, आपको इलाज की ज़रूरत है। ये इलाज अभी हम इस तरह से समझते हैं कि इस तरह की मानसिक समस्याओं के इलाज अभी दो तरह से किए जा सकते हैं। एक तो मेडिसिन के द्वारा और दूसरा साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के द्वारा। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनमें साइकोथेरेपीज और काउंसलिंग के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं और उनका ज़्यादा अच्छा रोल है। कुछ समस्याएँ ऐसी होती हैं जिसमें मेडिसिन का ज़्यादा रोल है। गाइडलाइन ये कहती है कि हमेशा कॉम्बिनेशन से अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर कोई मानसिक समस्या ऐसी है जो गंभीर है तो हमको दोनों तरह का इंटरवेंशन करना चाहिए, फार्माकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। खासतौर पर एंजाइटी से जुड़ी हुई समस्याओं में, जैसे फोबिया है, पैनिक अटैक है, ओसीडी है, जनरलाइज एंजाइटी है, सोशल एंजाइटी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है, ऐसे केसेस में साइकोथेरेपीज का बहुत अच्छा रोल है और बहुत अच्छे रिजल्ट है। लेकिन अगर हम बात करें डिप्रेशन की, और ख़ासतौर पर सीवियर डिप्रेशन की जिसमें लोगों को सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, ऐसे केसेस में हमको सबसे पहले उनकी मेडिसिन शुरू करनी चाहिए, हमको किसी साइकेट्रिस्ट से जल्दी संपर्क करना चाहिए। कोई गंभीर मानसिक बीमारियों से मेरा मतलब है ऐसी मानसिक समस्याएं जिसमें पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं होता है और
वो थेरेपीज के लिए कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करता है, उसमें आपको साइकोटिक सिम्टम्स जनरली देखने को मिलेंगे, ऐसे केसेस में आपको कुछ हेलुसिनेशंस डिल्यूजन्स देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसा दिखाई सुनाई या महसूस होना जो दूसरों को दिखाई सुनाई या महसूस नहीं होता है। ऐसे केसेस में मेडिसिन का बहुत रोल है। लेकिन ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनमें हमको सबसे पहले साइकोथेरेपी या काउंसलिंग से उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको, एंजाइटी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं या बच्चों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, बच्चों की बिहेवियर प्रॉब्लम है, स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप के इशूज हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, इसमें साइकोलॉजिस्ट का, काउंसलर का बहुत रोल है। तो ख़ासतौर पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो इंडिया में ट्रेंड और क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं। तो अगर आपको कोई भी ऐसी गंभीर मानसिक समस्याएं दिखती हैं तो आप सबसे पहले किसी भी साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल से मिलें या साइकेट्रिस्ट से मिलें। साइकेट्रिस्ट आपको गाइड करेगा कि आप मेडिसिन शुरू करें या साइकोथेरेपी शुरू करें। साइकोलॉजिस्ट आपको गाइड करेगा कि आपको साइकोथेरेपी करनी चाहिए या मेडिसिन शुरू करनी चाहिए, इसके बाद ही आप अपना इलाज कराएं। आप मेडिटेशन से या योगा प्राणायाम से उस समस्या को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो उसके कोई भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट हो सकता है कि आपको ना मिले और हो सकता है कि समस्याएं और गंभीर हो जाएं। तो पहले आप अपना इलाज कराएं, पूरी तरह से ठीक हो, उसके बाद आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन आप कर भी पाएंगे और फिर इस बात की संभावना भी होती है कि आपको मानसिक समस्या दोबारा से ना हो। मेरे पास ऐसे बहुत से सवाल आते हैं, लोग पूछते हैं कि मेडिटेशन हम करना चाहते हैं क्योंकि मेडिसिन के तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं। बिल्कुल होते हैं, लंबी चलती हैं और कई बार उनके विड्रॉल भी होते हैं और कई बार उनकी डिपेंडेंसी भी होती है। लेकिन मेडिसिन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट इतने ख़तरनाक नहीं होते हैं जितने ख़तरनाक बीमारी हो सकती है। साइड इफ़ेक्ट जो है वो मैनेजेबल होते हैं, वो ठीक किए जा सकते हैं। तो मेडिसिन से संबंधित जो भी जानकारी है, उसके जो भी साइड इफ़ेक्ट हैं, जब भी मेडिसिन आप शुरू करवाते हैं कि साइकेट्रिस्ट से मिलते हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दूसरी बात, साइकोथेरेपी क्या है, जनरली लोग ये पूछते हैं। साइकोथेरेपी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि साइकोथेरेपी कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके हैं, कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जिससे पेशेंट को ठीक किया जाता है। साइकोथेरेपीज में कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। साइकोथेरेपीज पूरी तरह से सेफ होती हैं और साइकोथेरेपीज भी कई बार बहुत शॉर्ट पीरियड में या कई बार बहुत लंबे समय तक भी चलती हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो आप जब भी कोई निर्णय लें, अपने इलाज का चुनाव करें, तो आप किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल से मिलें, उसके बाद ही अपनी इलाज का चुनाव करें। तो हमने आज यहाँ पर समझा कि मेडिटेशन और मेडिसिन में हमको किसे पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसको प्रेफरेंस देना चाहिए। तो दोनों का अपनी जगह अलग अलग रोल है और इन दोनों से अलग हटकर साइकोथेरेपी का, काउंसलिंग का भी रोल है जो हमको समझना चाहिए, वो समझना होगा। तो डेफिनेटली हम उस पेशेंट की बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएंगे, उस समस्या से उसको बाहर ला पाएंगे और हमारा जो भी निर्णय होगा वो उसके लिए पूरी तरह से सही होगा। थैंक यू वेरी मच।